हेलो गाइस, तो कैसे हो, क्या चल रहा है। तो आपका मेरी चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थिमिरु पुडिचावन का, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है गणेशा ने। फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे विजय एंटनी और निवेदा पेथुराज। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो साई, दीना, लक्ष्यम रामाकृष्णन, स्वामीनाथन और प्रभाकरन। पुलिस पावर यानी कि थिमिरु पुडिचावन फिल्म की कहानी की बात करें तो कुमार स्वामी जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे विजय एंटनी, जो एक सिंसियर और अपने ड्यूटी के प्रति काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। और कुमार स्वामी अपनी ड्यूटी के प्रति काफी ऑनेस्ट होने की वजह से और अपनी ड्यूटी को काफी ईमानदारी से निभाने की वजह से वो स्टेप बाय स्टेप एज अ इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाता है। और इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद जब वो इंस्पेक्टर बनने का चार्ज लेता है, तब कुमार स्वामी नोटिस करता है कि उसके एरिया की जो जनरल पब्लिक है, जो यूथ है, वो एक गुंडे से काफी इन्फ्लुएंस हो रही है जिसका नाम है बाबजी, जिसका रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे साई दीना। तो अब कुमार स्वामी इस गुंडे से यानी कि बाबजी से कैसे डील करता है और पूरी सोसाइटी का माइंड चेंज करके वापस पॉजिटिव तरफ कैसे लाता है, यही सब बातें फिल्म की कहानी बनाती है। फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि गणेशा, जिनके पास एक कमर्शियल फिल्म बनाने का अच्छा आइडिया था, उन्होंने एक पुलिस और राउडी का फेस ऑफ वाला जो आइडिया था वो एक सक्सेसफुल आइडिया उन्होंने चूज किया हुआ था। वो उस पर पूरी तरह से खड़े नहीं उतर पाए। उन्होंने जिस तरह से पूरी फिल्म की कहानी की प्रोसीडिंग हमारे सामने पेश की हुई है वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, और उसका स्क्रीन प्ले यानी कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था वो भी उतना ग्रिपिंग नहीं था। और इसके अलावा जो फिल्म की एडिटिंग थी वो भी काफी ठीक ठाक नजर आ रही थी। फिल्म को एटलीस्ट 10 से 12 मिनट तक ट्रिम किया जा सकता था, जिसकी वजह से जो मैंने आपको प्रोसीडिंग में जो कमी नजर बताई हुई है, जो प्रोसीडिंग स्लो आ रही थी वो थोड़ी और क्रिस्प हो जाती और फिल्म थोड़ी और बेटर एंगेजिंग हो जाती। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी डिसेंट थी, जो फिल्म के जोनर को आसानी से सूट कर रही थी। लेकिन जो फिल्म का म्यूजिक था वो फिल्म का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि जो फिल्म के गाने थे और बैकग्राउंड स्कोर था वो उतना बेटर नहीं था, वो फिल्म के सीन को उतना बेहतरीन नहीं बना रहा था। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय एंटनी, जिन्होंने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, उनका परफॉर्मेंस, उनका रोल फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। जिस तरह से उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल कॉप के रोल में एक सेटल्ड परफॉर्मेंस दी हुई है, वो फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस से काफी डेप्थ क्रिएट करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से हम उनके कैरेक्टर के साथ एंगेजिंग रहते हैं। फिल्म के मेन विलन यानी कि साई दीना, जिनको परफेक्ट रोल मिला हुआ था और उन्होंने एग्जैक्ट उसी तरह से डिलीवर किया हुआ है, वो अपने परफॉर्मेंस से हमें आसानी से इम्प्रेस कर जाते हैं। और उनका जो कैरेक्टर था यानी कि क्रिमिनल माइंडेड गुंडे वाला जो कैरेक्टर था, उसमें जिस तरह से एक रगेड लुक क्रिएट किया हुआ था, एक गेटअप तैयार किया हुआ था, वो परफेक्टली फिल्म के जोनर के हिसाब से उस पे सूट कर रहा था। इसके अलावा साई दीना ने फिल्म के कुछ ऐसे क्रूशियल सीन्स थे उसको काफी बढ़िया वे में उन्होंने हैंडल किया हुआ है। फिल्म की हीरोइन यानी कि लीड एक्ट्रेस निवेदा पेथुराज, वो अपने कॉप अवतार में काफी ग्लैमरस नजर आ रही थी। उन्होंने फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, उनके पास लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिफाई किया हुआ है। इसके अलावा बाकी की सभी सपोर्टिंग कास्ट ने डिसेंट काम किया हुआ है। इसके अलावा बात करते फिल्म के नरेशन की, तो फिल्म का नरेशन काफी स्लो पेस पे किया हुआ था और ये पहली बार नहीं है, विजय एंटोनी की ज्यादातर फिल्में काफी स्लो पेस पे रहती है। फिल्म की स्लो पेस तो थी लेकिन फिल्म के पास बढ़िया कोर पॉइंट था जिसके ऊपर काफी बढ़िया काम किया जा सकता था, यानी कि डायरेक्टर शानदार कमर्शियल एलिमेंट आसानी से फिल्म में ऐड कर सकते थे, उतनी जगह फिल्म में आसानी से बन रही थी, लेकिन डायरेक्टर इन सभी चीजों में पूरी तरह से फेल हुए। उन्होंने जिस तरह से फिल्म की प्रोसीडिंग की हुई है उतनी इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रही थी। अगर डायरेक्टर ये कमर्शियल एलिमेंट थोड़े बेटर वे में ऐड कर देते तो जो ये प्रोसीडिंग थी वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती। अब बात करते फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो पहले 15 मिनट में फिल्म के मेकर्स हमारे सामने फिल्म की कहानी को डेवलप करते हुए नजर आते है, लेकिन जैसे 15-20 मिनट खत्म होते तो हमें आसानी से पूरी फिल्म की कहानी पता चल जाती, यानी कि पूरी फिल्म प्रिडिक्टेबल हो जाती है, जहाँ पे हमें आसानी से पता चल जाता है कि एक ऑनेस्ट कॉप दिखाई देगा और एक डेडली गुंडा देखने को मिलेगा, जिनके बीच में एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेगा फिल्म के आखिर में, और उसी के साथ हीरो विलन को मार के जस्टिफाई करेगा। हालांकि फिल्म की कहानी प्रिडिक्टेबल थी लेकिन जो इंटरवल ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था वो शानदार था। वहां पे जो हीरो और विलन के बीच में जो इंटेंस सीन्स देखने को मिलते वो गजब के थे। इंटरवल ब्लॉक फिल्म के सेकंड हाफ को देखने के लिए हमारी उत्सुकता बढ़ा देता है।
अब बात करते फिल्म के सेकंड हाफ की, तो फिल्म का सेकंड हाफ भी आसानी से प्रिडिक्ट हो जाएगा। तो मैं 2018 की तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म थिमिरु पुडिचावन को 2.5 out of 5 की रेटिंग देता हूँ। तो कुल मिला के कहे तो थिमिरु पुडिचावन यानी कि पुलिस पावर एक रूटीन कॉप ड्रामा फिल्म है। अगर आप विजय एंटनी के बहुत बड़े फैन हो तो आप उनके लिए फिल्म जरूर देख सकते हो, अदरवाइज इस फिल्म को आसानी से स्किप किया जा सकता है। तो बस गाइस, आज के रिव्यू में इतना ही था। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा और भी ऐसे साउथ इंडियन मूवीज के रिव्यू के लिए, अपकमिंग साउथ इंडियन मूवीज की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।